बहुत दिनों पुरानी बात है, एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठर अपनी पीठ पर इधर से उधर ले जाया करता। धोबी कंजूस और निर्दयी था, अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस कभी टाइम मिले तो चढ़ने के लिए खुला छोड़ देता। वहाँ आसपास में कोई चारागाह भी नहीं थी, शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो चला था। एक दिन उस गधे की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे पूछा, अरे गधे भाई, आप इतने कमजोर और दुबले पतले क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया, अब क्या बताऊं सियार भाई, मेरा मालिक मुझसे दिन भर खूब काम करवा लेता और खाने को कुछ नहीं देता, टाइम मिले तो इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। सियार बोला, बस इतनी सी बात तो समझो आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है, वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई है। मैंने बाग में जाने की एक जगह भी ढूंढ ली है, बस वहाँ से हर रात घुसकर चख कर आता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। अरे तुम भी मेरे साथ आया करो। ये सुनते ही गधे ने हाँ कह दिया। फिर बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। फिर पेट भरने के बाद सियार जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा, उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वो भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। सियार ने चिंतित होकर पूछा, मित्र ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है, अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए, सोच रहा हूँ कि कुछ ढेंचू राग गाऊं। सियार ने तुरंत चेतावनी दी, ना 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 ना, ऐसा ना करना गधे भाई, गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो, ये मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं, मुसीबत को नेवता मत दो। गधा बोला, अरे भाई तुम जंगली के जंगली रहे, संगीत के बारे में तुम क्या जानो? सियार ने हाथ जोड़े, देखो मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ, तुम अपनी बेसुरे आवाज की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधा सियार की बात का बुरा मानकर उससे बहस करने लगा, तुमने मेरे आवाज को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है, हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वो तुम जैसे मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। सियार बोला, गधे भाई मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो, अपना मुंह बंद रखो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख सियार, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। सियार ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम महान गायक हो, मैं मूर्ख सियार भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना गाना शुरू करना, ताकि मैं गाना समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। सियार वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधा उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर गाना गाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था, रुको अभी मजा चखाता हूँ इसे। बस फिर क्या था, चौकीदार ने डंडे से गधे को पीटना शुरू किया। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा होकर गिर पड़ा। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि अगर कोई हमारा मित्र हमारी भलाई के लिए कुछ समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। चिंपांजी बंटी के दोस्त लड्डू तोता ने उसे लाकर एक अमरूद दे दिया था, इसलिए वह बड़े मजे से उसे खा रहा था। अचानक बंटी की नजर पास में एक मोर पर पड़ी, वो थोड़ी देर हवा में उड़ता और नीचे चला आता।
बंटी को दया आ गई और वो दौड़कर उसके पास चला गया। मोर घायल था और उसके कुछ पंख टूटे हुए थे। अरे तुम तो बहुत घायल हो गए हो, किसने किया तुम्हारा ये हाल? एक सियार ने हमला किया था, मैं किसी तरह अपने आप को बचा पाया और पेड़ पर बैठ गया। उसने मुझे घायल करके मेरे पंख नोच डाले, मैं मुश्किल से बचकर पेड़ पर आ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ाऊंगा, यहाँ नीचे रहने में तुम्हें खतरा है। लल्ला अभी तुम्हारी उम्र कम है, चलो पहले तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। बंटी ने मोर के बच्चे को कुछ खाने के लिए फल वगैरह दिए और उसके बाद उसे पकड़कर पेड़ की डाली पर चढ़ा दिया। उसके मुंह में भोजन गया और सुरक्षित स्थान भी मिल गया। अब वो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। काका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस जगह पर मुझे कोई डर नहीं है। लल्ला चिंता मत करो, तुम्हारा नाम मैंने लल्ला रख दिया है, ठीक है? अब मेरे साथ इसी पेड़ पर रहा करो। बंटी लल्ला को समझा ही रहा था कि इतने में उसे वही सियार दिखाई पड़ गया। वो लल्ला मोर के ही चक्कर में आया था। उस सियार को देखकर बंटी का माथा घूम गया। वो छुपकर तेजी के साथ सियार की तरफ दौड़ा और उसकी पूंछ पकड़ ली। सियार को उसने सचमुच नीचे दो बार पटक दिया। सियार ने जैसे ही मौका पाया सर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। बंटी और लल्ला मोर में अच्छी दोस्ती हो गई। बंटी दोस्त के खाने का इंतजाम भी कर देता था, वो आसपास ही रहता था। लल्ला का जख्म धीरे धीरे भरता चला गया। बंटी ने उसे उड़ते हुए देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। वो चाहता था कि लल्ला अच्छी तरह से उड़ सके और उसके ऊपर कोई खतरा न आने पाए। एक दिन बंटी कहीं बाहर गया हुआ था और जब लौट कर आया तो उसे आसपास लल्ला नजर नहीं आया। वो उसकी तलाश करने लगा। उसने लड्डू तोते से पूछा, लड्डू क्या तुमने मेरे लल्ला को देखा? मैंने उसे देखा था, वो उड़कर जा रहा था, मुझे अच्छा लगा कि उसके पंख ठीक हो गए। बंटी को बड़ा दुख हुआ क्योंकि लल्ला बिना बताए ही चला गया था। बंटी लड्डू तोता के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। बंटी नीचे नीचे जा रहा था और लड्डू ऊपर ऊपर उड़ रहा था। बंटी की आंखें चारों तरफ अपने दोस्त लल्ला को ही ढूंढ रही थीं। उसने पेट भरकर खाया भी नहीं था। लड्डू तोता ने उसे सावधान किया था कि जंगल में कुछ शिकारी भी आए हैं। बंटी को लल्ला की चिंता हो रही थी। बहुत देर तक तलाश करने के बाद बंटी को लल्ला दिखाई पड़ गया। उसने लल्ला को आवाज भी दी लेकिन लल्ला सुन नहीं पाया। इसके बाद बंटी शिकारियों के जाल में फंस गया। लड्डू तोता वहां आ गया। अरे बंटी ये क्या हो गया, लल्ला के चक्कर में बेखबर होकर तुम खुद ही फंस गए। लड्डू जाओ, लल्ला को लेकर यहाँ से दूर जाओ, शिकारियों का खतरा है, उसे बचा लो। बंटी लल्ला ने अच्छा नहीं किया, उसे तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। तुमने उसका कितना ख्याल रखा था और उसने बिना बताए तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लल्ला मेरा दोस्त है, बच्चा है, नादान है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बंटी तुम चिंता मत करो, मैं लल्ला को भी समझा दूंगा और तुम्हारी रिहाई का प्रबंध करना चाहता हूँ। अब मेरी रिहाई नहीं हो सकेगी, अलविदा दोस्त, तुम्हें और लल्ला को सदैव याद रखूंगा। लड्डू तोता उड़ते उड़ते लल्ला के पास पहुँच गया और उसे कोसने लगा। मैं बहुत दिन बाद अच्छी तरह उड़ पाया, इसी चक्कर में यहाँ तक आ गया, मुझे माफ कर दो दोस्त। चलो मेरा दोस्त बंटी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं बहुत दिन बाद अच्छी तरह उड़ पाया, इसी चक्कर में यहाँ तक आ गया, मुझे माफ कर दो दोस्त। चलो मेरा दोस्त बंटी कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लल्ला और लड्डू उड़कर उसी तरफ जाने लगे। लल्ला ने जब अपने दोस्त बंटी को जाल में फंसे देखा तो उसे रोना आ गया। मेरे दोस्त बंटी मुझे माफ कर दो, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर लल्ला वहाँ से उड़ गया। लड्डू तोता देखता ही रह गया। देख लिया बंटी, लल्ला फिर उड़कर निकल गया, अब वो लौटने वाला नहीं है, वो तो मेरे कहने पर आ गया था। कुछ देर में लल्ला एक थैली लटकाए हुए वहाँ पर आ गया। उसने वो थैली जमीन पर रख दी। उस थैली में से तीन चूहे निकल पड़े। चैतू भाई अब दिखा दो अपना कमाल, काट दो ये जाल।
बस फिर क्या था, तीनों चूहे मिलकर जाल को काटने लगे और देखते ही देखते पूरे जाल को काट दिया। बंटी आजाद होकर बाहर आ गया और उसने लल्ला को गले से लगा लिया। उन चूहों को भी धन्यवाद दिया। इस तरह लल्ला ने भी अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया। एक समय की बात है, एक घने जंगल में गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर आसपास तलाश करने के बाद उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी के पास पहुंची। अरे वाह, आखिरकार मुझे पानी मिल ही गया। अब मैं खूब पानी पीऊंगी और अपना पेट भरूंगी और मेरी साथी चींटियों को भी इस नदी के बारे में बताऊंगी। चींटियां सब बोलकर आगे बढ़ी। सामने पानी था, लेकिन पानी पीने के लिए वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर के ऊपर चढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरी। बचाओ, बचाओ, अरे कोई यहाँ है, मुझे बचाओ, मैं पानी में डूब रही हूँ, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, बचाओ। चींटी चिल्लाने लगी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ था जिसकी टहनी पर एक कबूतर बैठा था। उसने चींटी की आवाज सुन ली। कबूतर को मामला समझ आया। कबूतर को उस पर तरस आ गया और उसने चींटी को बचाने का आइडिया सोचा। अरे क्या करूं, क्या करूं, जिससे उस चींटी की जान बच जाए, मुझे कुछ करना होगा। और ऐसा सोचकर कबूतर ने तेजी से पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में संघर्ष कर रही चींटी के पास फेंक दिया। कबूतर बोला, चींटी बहना, इस पत्ते पर तुम चढ़ जाओ जल्दी से, चलो जल्दी से, पानी का बहाव तेज हो रहा है। चींटी उस पत्ते के पास पहुंची और उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे आ गया। चींटी ने पत्ते से छलांग लगाई और नीचे उतर आई। चींटी ने पेड़ की तरफ देखा और कबूतर से बोली, आपका बहुत धन्यवाद भैया, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती, आज से हम दोनों दोस्त। और ऐसा कहकर चींटी वहाँ से चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक दिन एक शिकारी उस नदी के किनारे पहुँचा और उस कबूतर के घोंसले के नजदीक ही उसने जाल लगा दिया और उसमें दाना डाल दिया। वह थोड़ी दूर जाकर छुप गया और उम्मीद करने लगा कि वह कबूतर को पकड़ लेगा। कबूतर ने जैसे ही जमीन पर दाना देखा, वह उसे खाने के लिए नीचे आया और शिकारी के जाल में फंस गया। वह चींटी पास में ही थी और उसने कबूतर को जाल में फंसा हुआ देख लिया। कबूतर चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मुझे इस जाल से कोई बचाओ। लेकिन कबूतर उस जाल में से निकलने में असमर्थ था। शिकारी ने कबूतर का जाल पकड़ा और चलने लगा। तभी चींटी ने कबूतर की जान बचाने की सोची और उसने तेजी से जाकर शिकारी के पैर में जोर से काट लिया। शिकारी जोर से चिल्लाया, अरे मर गया रे, किसने इतने जोर से काटा, अरे मर गया रे। तेज दर्द के कारण शिकारी ने उस जाल को छोड़ दिया और अपने पैर को देखने लगा। तभी कबूतर को जाल से निकलने का मौका मिल गया और वह तेजी से जाल से निकलकर उड़ गया। इस तरह से चींटी ने अपने दोस्त कबूतर की जान बचाई। तो क्या समझे इस कहानी से, कि कर भला तो हो भला। हम जब भी दूसरों का भला करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है।